हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब खैर खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कितनी प्यारी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। और जी, आज की जो सहरी थी ना, ऐसी सहरी कभी भी नहीं हुई हमारे घर में। आज हमारे साथ ऐसा सीन हुआ है ना कि मैं आपको बताऊँगी ना, आप लोग भी, आप लोगों को गुस्सा भी आएगा, आप लोग हंसेंगे भी। मुझे तो गुस्सा आ रहा था, सीरियसली इतना मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या है। आज हमारे साथ हुआ ये जी कि सहरी में जो है ना, मैंने सोचा था कि हमारा नेक्स्ट डे, मैंने फर्स्ट डे सहरी को पालक गोश्त बना के रखा था, तो मैंने कहा आज जो है ना सेकंड सहरी पे, मतलब आज के दिन जुमे वाले दिन, तो मैंने कहा कि मैं ना सहरी जो है ना चावल से करूँगी, वाइट चावल से, साथ में कबाब फ्राई कर लूँगी और रायता वगैरह बना लेंगे। हालांकि सहरी में बहुत कम लोग चावल खाते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा था तो मैंने कहा कि मैं खाऊँगी, मैं पराठा नहीं खाऊँगी, मुझे सीने में जलन हो रही थी, तो मैंने कहा मैं चावल खाऊँगी। तो हस्बैंड ने कहा कि मेरे भी चावल बनाना, मैं भी चावल ही खाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, सब कुछ चावल और भिगा दिए, पालक वो सालन निकाल के रख लिया, कबाब निकाल के रख लिए, सब कुछ रेडी करके रख लिया। मैं उठी 3 बजे, मुँह हाथ वगैरह धोया मैंने और मैं जगह किचन में, और जैसी कौन है नहीं करो जोहा, जैसे ही मैं किचन में रखे मैंने सिलेंडर ऑन किया ना, हमारी गैस ही नहीं, हमारी गैस सिलेंडर में थी ही नहीं। उफ, मुझे इतना गुस्सा आया, अब क्या करें। और उस टाइम पर सिलेंडर की शॉप नहीं खुली होती, बेटा नहीं शोर शुरू हो रहा है बेटा, तो सिलेंडर की ना शॉप नहीं खुलती इस वक्त। आपको पता है सहरी में से पराठे, दही, दूध, इनकी शॉपें खुलती हैं जस्ट। उफ, तो फिर मेरे हस्बैंड गए दही लेकर आए, उन्होंने दही से सहरी करी, पराठे लेकर आए बाहर से, उन्होंने सहरी करी, और मैंने रोज़ा नहीं रखा क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही थी और मुझे सीना, मुझे वो ना पराठे से वोमिट हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो मेरा आज का रोज़ा इस वजह छूट गया। मुझे इतना दुख हुआ ना, सीरियसली मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन यह है कि इससे जो है ना एक एहतियात मुझे ऐसा हो गया कि नेक्स्ट टाइम ना मैं इतना मुहतात रहूँगी, सिलेंडर विलेंडर पहले ही चेक करके रात में उसको भरवा लेंगे, ताकि सहरी आने वाली कोई भी सहरी ख़राब ना हो, आने वाला कोई भी रोज़ा हमारा मिस ना हो। बस ये थोड़ा सा मुझे एहतियात करना पड़ेगा। चलिए जी, और आज सबको जुम्मा मुबारक, बहुत प्यारा दिन है, जुम्मे का दिन है, और सबसे बड़ी बात आज दूसरा रोज़ा है, मेरी बड़ी बेटी की पैदाइश का दिन है आज। मेरी बड़ी बेटी ज़हरा जो कि जन्नत में है, उसका पैदाइश का दिन है, वो दूसरे रोज़े को दुनिया में आई थी, तो मैं बना रही हूँ उसके ही पसंद का खाना। आज हमारे घर में अफ्तार में जो बन रहा है ना, वो बन रहा है बिरयानी, चिकन बिरयानी बना रही हूँ, साथ में शामी कबाब है, रायता सलाद है, शरबत है, ये चीज़ बनाएंगे। थोड़ा चेंज हो जाएगा मेन्यू ना, मतलब जैसे हमने तो पूरे रमजान को पता है पकौड़े, चाट, छोले, दही बड़े ये चलता है, तो आज जो है मैं बिरयानी बना रही हूँ, फिर कल इंशाल्लाह चिकन के पकौड़े और मिक्स पकौड़े अलग डिफरेंट स्टाइल में वो बनाऊंगी। तो चलते हैं अपने किचन में। किचन में जाने से पहले मैं फटाफट पहले सफाई कर लेती हूँ, हस्बैंड सीढ़ियाँ साफ़ कर रहे हैं, मैं अपना कमरा और सहन और किचन अपना पूरा नीट कर लेती हूँ, फिर चलते हैं किचन में और झटपट से बनाते हैं अपना अफ्तार की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने लाइट मंगवाई थी मैंने दराज से, ये देखें, काफ़ी लोग बोले थे आपने डेकोरेशन का सामान कहाँ से मंगाया, मैंने सामान काफ़ी मंगवाया था, आया नहीं है वो मेरा, अभी 2-3 चीज़ें आई थी। और जो लालटेन थी, ये देखें जुहा की हरकतें देखें, ये कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है, ये देखो ये क्लिप आगे लगा लिया, ये क्लिप का मुंह पीछे होता है ना, आगे लगा के घूम रही हो, और इन्होंने ही ख़राब किया मेरी लालटेन जो है ना, जो किचन में रखी थी ना, मैंने फर्स्ट डे जलाई थी, ये जोहा ने वो ख़राब किए जला जला नहीं मम्मा, मैं एक बार जलाई थी। एक बार आपने पता नहीं किस तरह जाई, वो ख़राब हो गई, वो चली नहीं दोबारा। अच्छा जी, ये लाइट है, ये लाइट है, मैं सोचूँ यहाँ पर्दे पर लगा दूँ, अच्छी आएगी, ठीक है जी। और ये मैं लेकर आई थी रमज़ान मुबारक का, तो ये तो मैंने बर्थडे शॉप से लिया था, ये इसको मैं यहाँ पर वॉल पे लगाने का सोच रही हूँ, ये देखें ये इस तरह का है, रमज़ान मुबारक इस पर लिखा हुआ है, ये है जी रमज़ान मुबारक के, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं ऐसे, यूँ इस तरह इसको हैंग करके ना, हम इस तरह हैंग करके इसको अपनी वॉल पे लगा देंगे, प्यारा लगेगा, साथ में इसकी लाइटें लगा देंगे तो ये बहुत खूब, इसके ऊपर एक लाइट की लड़ी लगा देंगे, जब ये जलेगा ना तो ये बहुत प्यारा लगेगा, देखें इस तरीके से। तो अभी हस्बैंड को बोलती हूँ वो लगाएं ज़रा, पहले मैं सफ़ाई करती हूँ फिर डेकोरेशन को लगाते हैं। यहाँ पे लाइटें हैं, इसमें कितनी लाइटें हैं, इसमें हैं जी हमारी ये लाइटें हैं, तो इनको भी जलाते हैं, इनको लगाते हैं और अपनी करते हैं सफाई है। अच्छा, मुझे काफी लोग बोले थे आप इसकी ना साइड पे ना इसके प्रोटेक्टर मिलते हैं टेबल के, तो मैंने दराज पे देखे थे, मैंने ऑर्डर कर दिए,
तो चारों तरफ लगा देंगे, इससे किसी को ना लगेगी नहीं। फिर वो सिलिकॉन के होते चारों तरफ लगा देंगे ना, इसे लगता नहीं। क्या नहीं लगता? ये कोने में लगेंगे, उस कोने में आ जाएंगे इतने चारों तरफ, किसी को लगेगा नहीं। फिर सफाई तो हो गई है, सीढ़ियों की भी हो गई है, हस्बैंड कचरा बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ पे पूरी सफाई हो गई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, सबसे पहले बनाएंगे अपना शरबत। जल्दी से चीनी घोल के रखते हैं, देख रहा हूँ उस साइड पे रखना बिल्कुल, ठीक है? जाओ यहाँ रखना बिल्कुल साइड पे, भाग के जाओ, आ जाएगा फटाफट से, तुम्हें ही पकड़ के काटना शुरू कर देगा फजूल में। फटाफट से, नहीं कटेगा ये, आप कह रही हो ना? खा लेंगे दोनों, खा लेंगे थोड़ी, आ जाओ मैं देख लूं, छोड़ दो, आ जाओ खा लेंगे वो। ही अल्लाह, यहाँ पे मैंने चिकन धो दिया है, चावल अपने भिगा दिए हैं, चीनी भी घोल के रख दी है शरबत के लिए। बस फटाफट कोरमा बनाती हूँ, जल्दी से सामान निकालती हूँ, प्याज लहसुन से। चलो जी, यहाँ पे मसाला काट रही हूँ मैं अपनी बिरयानी के लिए। सबसे पहले टमाटर मैंने लिए हैं, एक पाव से डेढ़ पाव के करीब टमाटर हैं, सारे कट कर लिए। यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ अपनी, प्याज मैंने लिए 4 से 5, मेरे पास छोटे साइज़ की प्याज थी, अगर बड़ी है तो आप 3 भी ले लें, क्योंकि मेरी 1 किलो चिकन थी और आधा किलो चावल थे। हमें प्याज सारा मसाला कट करने के बाद अपनी बिरयानी का मसाला चढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। आपको पता है असर का टाइम, नमाज़ पढ़ के मैं लगी थी ताकि मगरिब तक मैंने कहा मेरा खाना जो है ना कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले मैंने ऑयल में ना अपना साबुत गरम मसाला डालते हैं, जिसमें लौंग थी, वो थी छोटी इलायची और बड़ी इलायची, दालचीनी नहीं थी, बाकी लौंग थी और साबुत वाली काली मिर्चें। ये डालने के बाद मैंने प्याज डाल दिया, प्याज को हल्का सा गुलाबी किया, उसके बाद मैंने इसमें 1.5 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। उसको अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ, उसके बाद डाल देंगे अपना चिकन। चिकन मैंने अच्छी तरह से धो के इसको पानी में भिगा दिया था, बिल्कुल इसे वाइट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपने चिकन को अच्छे से अपनी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। फिर इसके अंदर हम डालेंगे अपने मसाले। अभी मैं डाली हूँ घर के मसाले, जिसमें मैंने बेसिक मसाले लिए, नमक है, पिसा हुआ धनिया है, पिसा हुआ गरम मसाला है और लाल मिर्च पाउडर है। हल्दी मैंने नहीं डाली, हल्दी से ना ज़रा बहुत पीले हो जाते हैं चावल, फिर वो टेस्ट, वो कलर नहीं आता, जैसे वाइट रेड इस तरह कलर नहीं आता, तो मैंने हल्दी इसलिए नहीं डाली। अच्छा जी, सारे मसाले डालने के बाद मैंने बिरयानी मसाला भी डाला है इसमें, अच्छे से मिक्स किया। अब इसमें टमाटर और अपनी हरी मिर्चें, जो कि मैंने 7-8 हरी मिर्चें ली थी, ये इतनी तेज़ हरी मिर्चें नहीं है इसलिए आप ज़्यादा डाल सकते हो। और फिर इसमें डाल दी मैंने आलू बुखारे, फिर इसको ढक के मैंने टमाटर सॉफ्ट होने के लिए, उस टाइम तक हमारी चिकन भी हाफ कुक हो गई थी, जब हमारे टमाटर सो गले और हमारी चिकन भी हाथ के हाथ गल गई। अब इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया अपना दही, दही मैं यहाँ पे 1 पाव के करीब लिया था, वो डाल दिया। अब इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और इसको थोड़ा सा खुशक करेंगे हम ना, उतने टाइम तक हमारी चिकन भी गल जाएगी। यहाँ पे हमारी चिकन अल्हम्दुलिल्लाह गल गई है, दूसरी साइड पे हमने चावल बॉईल कर लिए हैं। यहाँ पे अब हमारी लग रही है तेल बिरयानी में, नीचे मैंने थोड़ा सा मसाला लगा दिया है, उसके ऊपर हम डाल देंगे अपने वाइट चावल, जिसे हम तेल बनाते हैं वो सेम इसी प्रोसीजर को हम रिपीट करते रहेंगे। साथ में मैंने इसमें पुदीना हर धनिया वगैरह डाल दिया है। अब इसमें दोबारा से हम लगाएंगे तेल अपने सालन की, देन चावल की, फिर एंड में हम लगा देंगे इसमें अपना हरा धनिया पुदीना और साथ में हरी मिर्च और इसमें केवड़ा वाटर और साथ में इसमें जाएगा हमारा जर्दे का रंग।
बस इस तरह से हम चावल की तेल लगाएंगे, सालन की तेल लगाएंगे और ये सब चीज़ अच्छे से लगा के इसको हम दे देंगे 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम। उस टाइम तक हमारा बिरयानी मज़ेदार सी रेडी हो जाती है अच्छा दम लगने के बाद। उसके बाद फिर हमने और काम निपटाएंगे। यहाँ पे हमारा जो हो गया डन, यहाँ पे डल रहा है हमारा। अब इस बार मैंने पानी में घोल के नहीं डाला, मैंने वैसे चम्मच से ना जर्दे का रंग इस पर डाल दिया है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं अपना केवरा वाटर, इससे जो है अच्छा सा बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें ना खाने में। उसके बाद हरी मिर्च और धनिया पुदीना, उसके बाद इसको ढक देंगे और इसको पकने देंगे अपनी मज़ेदार सी बिरयानी को। और बिरयानी की खुशबू ना पूरे मोहल्ले में मैं कह रही हूँ फैल रही होगी, इतनी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह से बिरयानी की। दूसरी साइड पे मैंने अपना रायता भी रेडी कर लिया था। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है, दही और अपनी खीरा, प्याज, टमाटर, जस्ट ये चीज़ें डाली है। ये हमारा रायता रेडी हो गया। तो मैंने कबाब निकाले, इसको फ्राई करती हूँ। अब मेरी बिरयानी पर दम लगा हुआ है। बन गए? हाँ, यहाँ पे कबाब बन गए। ये कबाब फ्राई हो रहे हैं, साथ में ये बिरयानी दम पे लगी हुई। तो कहाँ भिजवा रही हो फिर? सामने दे देना, रशीद के यहाँ दे देना। ये देखा था आपने, मैंने फिलिंग भर दी थी रात में। हाँ, ये रहते ही बना लिया मैंने। हाँ, फिलिंग सही है। चलो अभी वो अफ्तार कर लो, फिर लाइटें लगा देंगे। हाँ, अफ्तारी के बाद लगा देंगे। अपने में निकाला रमजान करीम का, वो भी लगा देंगे। तेरे पे लगाऊंगी, नीचे पे लगा लेंगे। हाँ, नीचे अपने मेहमान थोड़ी आया अपने घर में। नीचे ना, नीचे जमीन पे सही है भाई, टेबल पे कंफर्टेबल नहीं होता बंदा। नहीं नहीं, सुकून भी जमीन पे मिलता है, दस दफा लगा हुआ। हाँ, रिलैक्स होके खाता है। नहीं, इजी हो गए तो खाए बंदा खाना। हाँ, बस उधर खुलने वाला, हमारा भी काम डन हो गया। अलहमदुलिल्लाह, बिरयानी भी, कबाब भी, रायता भी, शरबत भी आपका रेडी हो गया बिल्कुल। बस क्यों डालूं कि ठंडा पानी है बस। आपका क्या, खाली मैं ही भी था, आपने भी तो पीना। और ये पानी खत्म हो गया केक का। ये भी जाऊंगा ना अफ्तारी के बाद लेके आऊंगा। चले भाई, और हमारी मुन्नी ने ना ये बिल्कुल तारीफ कर दिया, चल ही नहीं रहा, इतनी प्यारी लग रही थी। अच्छा खासा मैंने चला के आपको दिया था, पहले रोज तक जलाया था, प्यारा चल रहा था, उसके बाद चले ही। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा लग। अभी देख लेंगे इसको रोजे का। तो आपने बंद किया या बंद हुआ? मैंने बंद किया है। अच्छा, आपने बंद। कैसे बंद हुआ यार? नहीं ना, आपने ऐसे बोला बोला बंद हो गया। नहीं, अभी तो मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा आपने किया, खुद हो गया। अभी बिरयानी को भी देखते हैं, मैं दे रही हूं आपको। बिरयानी की खुशबू तो पूरा घर में माशाल्लाह आ रही है। वाह, सही बात। जल्दी कर लो बस, जल्दी हो गया। मैंने चूल्हा बंद इसलिए नहीं किया क्योंकि गरम गरम ही लगाऊंगी दस फैन पे। तो हम थोड़ी सी नियाज उसकी करते हैं आज के दिन। नियाज ये करते हैं बस खाना में, मतलब वही खाना देते हैं। हाँ। ताकि किसी के पेट में जाए, दुआ करे वो भी। बिल्कुल, मैं पूरे एक बंदे का खाना देती हूँ ताकि वो एक बंदा सुकून से पेट भर के रच के खा ले माशाल्लाह। चले जी, ये हो गई हमारी बिरयानी और ये आप दे दें जाकर वहाँ पर, ठीक है। जी ये देखिए हमारी बिरयानी हो गई है रेडी, कितने मज़े के लग रहे हैं, वाइट, रेड चावल और येलो चावल, ये देखें। चलो इसको मैंने पूरा मिक्स कर लिया अच्छे से, अब इसको ढक देती हूँ मैं यहाँ पे, इसको फटाफट से ढक देते। इसको बर्तन भी सारे धो के रखे मैंने ताकि कोई बर्तन ही मेरा गंदा ना हो, क्योंकि इफ्तार के बाद में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती यार, बिल्कुल भी। चलो जी, ये हो गए हमारे कबाब हो गए, इसे बिरयानी डालूँगी, यह हमारा रायता सलाद हो गया।
ऐसा डाल लो नहीं ना। ये अब ज़्यादा खीरा खाती हो ना, ये खाओ। अफ्तार कर लिया है, इसके बाद मैं सब अपना किचन संभाल लूँ जल्दी से, उसके बाद जब इंशाल्लाह अपनी जो डेकोरेशन का पीस निकालने हैं वो लगाते हैं और अपना किचन साफ करते हैं। अगर मैं लेट गया अभी तो फिर मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं होती उठने की, लेटने से पहले पहले अपना किचन साफ कर लें। किचन तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह साफ, हिम्मत पकड़ के जल्दी किचन साफ कर लिया। मम्मा ये देखे इसको क्या कर रही है। हाँ क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, एक्सरसाइज। ये देखो इसका उतारो अम्मा हमारी मदनी मुन्नी। चले जी अब हम आ गए अपने कमरे में, थोड़ी सी यहाँ पे अपनी हाँ डेकोरेशन करेंगे, डेकोरेशन करेंगे। वाली बास्केट में सोचू ये पर्दे के पास लगाऊंगी तो प्यारी लगेगी, इधर ये वाली बास्केट अच्छी लगेगी। और इसको हम यहाँ लगा के देखो जरा घुमा के, जो लाइट जो मैंने लगाई थी ना इनका इस तरह लटका दें अच्छी लगेगी, पर्दा जब बंद होगा ना लाइटें खुलेंगी तो अच्छी लगेगी। और यहाँ पे ये देखें ये मैंने रमज़ान करीम जो है ना ये मुझे पहले दिन लगा चाहिए था आपको पता, लेकिन शॉर्ट टाइम में एक रोज़ा अनाउंस हो गया था और बहुत देर में पता चला था, और हमने ये हैंगिंग जो है ना फ्लावर पॉट मैंने यहाँ हैंग कर दिया इसको। और नीचे कहीं मार्केट जाऊँगी तो एक साइड का कुछ ले आऊँगी डेकोरेशन पीस, तो ये इस पर भी मैंने लाइट लगा दी है क्योंकि लाइट जलेगी तो ये और प्यारा लगेगा। तो अभी हम लाइट जलाएंगे ना तो फिर आपको दिखाएंगे, जब तक हम ये सेटिंग कर रहे हैं। जी बेटा इनको देखो मेरा बुरखा पहन के बैठी हुई है, ये देखें टीचर आई है हमारे घर में बुरखा पहन के बैठी हुई है। ये लाइटें वाइटें तो लग गई हैं लेकिन अभी ऑन नहीं की है, हस्बैंड अभी कोशिश में लगे हैं कि ऑन करें इसको क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि सारी लाइटों को ना ज्वाइन करना पड़ता है। मैंने पर्दे के साथ सारी लाइटें लगा दी हैं, ये इस पर्दे के सारी लाइटें लग चुकी हैं, बस ये ज्वाइन करना है। तो मैंने कहा पर आप ज्वाइन करें, मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ कि सारी लाइटें आपको जला के दिखाएंगे अपनी शेरी वाले ब्लॉग में। तो आई होप कि हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद तो लाइक कमेंट्स करेगा, दुआ में याद रखिएगा, और जो न्यू है लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और जुमा मुबारक और सेकेंड रोज़ा सबको मुबारक।